आखिर क्या कारण है भाई? रेलवे अधिकारी ने संज्ञान क्यों नहीं, रेल मंत्रालय ने संज्ञान क्यों नहीं लिया? देश के प्रधानमंत्री सब झंडी दिखाने के लिए है क्या? एक क्रिमिनल नेग्लिजेंसी सिर्फ नहीं है, एक कलेक्टिव हत्या, सामूहिक हत्या है। क्या बात कर रहे हैं, सामूहिक हत्या है क्या है तुम? आपको कोई आगाह करे चीजों को ठीक करने के लिए? मैकेनिकल या इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रिकल फॉर्म पर अगर कोई चीजें हैं आप दुरुस्त नहीं करिएगा? उड़ीसा में हुए रेल हादसा को लेकर जिस प्रकार से बातें निकलकर सामने आ रही है, कहा जा रहा है कि जानबूझकर यह घटना की गई है। आरजेडी के प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, क्या कुछ आप कह रहे हैं कि यह जानबूझकर किया गया है? ऐसा उड़ीसा की रेल दुर्घटना एक सामूहिक गरीब लाचार बेबस लोगों की हत्या है। रेलवे मंत्रालय को पहले ही उन खतरों के बारे में पत्राचार कर रखा था अधिकारियों ने, लेकिन मंत्रालय ने संज्ञान नहीं लिया, बल्कि यो कहें कि इस हादसे का, इस हत्या होने का इंतजार कर रहे थे। देश के सीमाओं पर इस पत्र में क्या ऐसे ही हमारी प्रतिष्ठा घट रही है और अंदर हमारी आवाम जो देश की है, लाचार बेबस गरीब पिछड़ा थे पिछड़ा जो काम करने के लिए बाहर जाते हैं, सफ़र करते हैं ट्रेनों में, उनको मौत के काल के गाल में ढकेल दी गई। आखिर क्या कारण है भाई? रेलवे अधिकारी ने संज्ञान क्यों नहीं, रेल मंत्रालय ने संज्ञान क्यों नहीं लिया? देश के प्रधानमंत्री सब झंडी दिखाने के लिए हैं क्या? एक क्रिमिनल नेग्लिजेंसी सिर्फ नहीं है, एक कलेक्टिव हत्या, सामूहिक हत्या है। क्या बात कर रहे हैं, सामूहिक हत्या है क्या है तुम? आपको कोई आगाह करे चीज़ों को ठीक करने के लिए? मैकेनिकल या इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रिकल फॉर्म पर अगर कोई चीज़ें हैं आप दुरुस्त नहीं करिएगा और टकराने के लिए छोड़ दीजिएगा? हादसा होते होते बचा था ट्रेनें पहले भी, इसी बाबत पत्राचार की गई थी, फिर भी मंत्रालय चुप रहा। ये किसकी जिम्मेदारी? क्या चीज़ का सीबीआई जांच होगा जी? क्या चीज़ का सीबीआई जांच होगा? मंत्री क्या कर रहे थे? सीबीआई जांच से पता चलेगा ना। मंत्री क्या कर रहे थे? एक क्लीन से बनी हो चलेगा, किसी को बलि का बकरा बना देने से काम नहीं चलेगा। माफ करिएगा, ये मंत्री पर जाता है, प्रधानमंत्री जी पर नगरी का सीधा रूप जाता है, इसलिए कि झंडी तो प्रधानमंत्री दिखाते। रेल मंत्री को जानता है देश में जी ये कौन रेल मंत्री है? रेल मंत्री को आप नहीं जानते? वो जानता ही नहीं है, ये तो इधर हम लोग जानने लगे कौन तो वैष्णव जी हैं, पहले कहाँ जानते थे। लेकिन आप ये बड़ा आरोप लगा रहे हैं ना कि सामूहिक जो है वो हत्या की गई है। हम तो ठीक ही कह रहे हैं ना कि जब आपको कोई कह दे इसको दुरुस्त करे नहीं तो लोग हादसा हो जाएगा, आप ठीक नहीं करिएगा तो आपकी मंशा क्या है? फरवरी में ही जब आगाह कर दिए गए थे, पत्राचार कर दिए गए थे, तो अभी तक चुप्पी क्यों? हु आर रिस्पॉन्सिबल? मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल, प्राइम मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल या पीपल रिस्पॉन्सिबल है? कौन रिस्पॉन्सिबल है जरा बताइए हमको। चलिए, तो हमारे साथ आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव थे, बड़े न्यूज फाउंडेशन के साथ। नमस्कार।